हेलो दोस्तों, आनंद अभिनंदन और आभार। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं टीपीएम। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों प्रेसिडेंट बाइडेन की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं, क्यों उनके ही पार्टी के लोग अब उनसे नाराज़ हैं, और ये भी जानेंगे कि क्यों प्रेसिडेंट जेलेंस्की के लिए ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हमने देखा कि प्रेसिडेंट बाइडेन अपने यूक्रेन दौरे पर थे। इस दौरे के दौरान उन्होंने प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी मुलाकात की और यूक्रेन में चल रहे रशिया यूक्रेन वॉर का भी जायजा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये कहा कि हम यूक्रेन की मदद तब तक करते रहेंगे जब तक यूक्रेन को यूएसए की इस वॉर में जरूरत है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि अमेरिका $500 मिलियन एक्स्ट्रा असिस्टेंस की घोषणा करता है यूक्रेन के लिए। इस घोषणा के बाद ही प्रेसिडेंट बाइडेन की मुश्किलें तब बढ़नी शुरू हो गई जब उनके ही पार्टी के मेंबर्स ये प्रश्न उठाना शुरू कर दिए कि आखिर कब तक डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिकन टैक्सपेयर्स का पैसा यूं ही खर्च करती रहेगी इस रशिया यूक्रेन वॉर में। आखिर कब तक डेमोक्रेटिक पार्टी फ्री चेक साइन करती रहेगी यूक्रेन के लिए इस रशिया यूक्रेन वॉर में। और रिपोर्ट्स की माने तो डेमोक्रेटिक पार्टी अब तक $112 बिलियन खर्च कर चुकी है इस रशिया यूक्रेन वॉर में। अगर इस डाटा को देखें तो लगभग $67 बिलियन मिलिट्री एड में, $29 बिलियन इकोनॉमिक एड में और कुछ $15 बिलियन ह्यूमैनिटेरियन एड में खर्च कर चुकी है यूएसए यूक्रेन में। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने भी अब इस $1 बिलियन एक्सपेंस में सवाल उठाना शुरू कर दिया है। I sincerely hope that when your representatives and all of the politicians get here, including Biden, they get back from touring Ukraine, that he's got some money left over, because we're now at $117 billion, and as you probably know, Europe, when you add it all up, is at about $10 billion. That's a big difference, wouldn't you say? That's one of the things that gets. रिपब्लिकन पार्टी ने सवाल उठाते हुए ये कहा कि जब यूएस में इन्फ्लेशन रेट सेवरल डेकेड्स में सबसे ज्यादा हाई, अमेरिका का फॉरेन डेब्ट भी सबसे ज्यादा हाई है और कुछ 100,000 पीपल की जॉब जा चुकी है पिछले 1.5 सालों में, तो यूएस क्यों फ्री चेक साइन कर रहा है यूक्रेन के लिए। लेकिन प्रेसिडेंट जेलेंस्की की मुश्किलें तब बढ़नी शुरू हो गई जब अमेरिकन वॉर एक्सपर्ट मार्क कैंसियन, जो मिलिट्री प्रोक्योरमेंट एक्सपर्ट हैं पेंटागन में, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका द्वारा भेजी जा रही वेपन्स की स्क्रूटनी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें डर है कि जो वेपन्स अमेरिका द्वारा यूक्रेन में भेजे जा रहे हैं कहीं वो मिडिल ईस्ट की ब्लैक मार्केट में सेल होना शुरू ना हो जाए। और ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है यूक्रेन के लिए क्योंकि यूक्रेन जो कि पिछले साल 116वें नंबर पर था 180 देशों में करप्शन के मामले में, वहीं यूएस असिस्टेंट डिफेंस सेक्रेटरी मिस वॉलेंडर ने भी ये कहा कि अमेरिका अब यूक्रेन को फ्री चेक साइन नहीं कर सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन प्रेसिडेंट को अब अपने डिफेंस बजट का इस्तेमाल करना होगा, यूक्रेन को कुछ बिग परचेसेस करने होंगे इस वॉर में यूएसए से। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यूक्रेन का डिफेंस बजट कैपेबल है बिग परचेसेस करने के लिए। तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की के लिए मुश्किलें अब और भी बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि एक तरफ जहां रशिया ईस्टर्न यूक्रेन में इंच बाई इंच यूक्रेनियन लैंड पे अपना कब्जा बढ़ाता चला जा रहा है, वहीं यूएस और जर्मनी से आते हुए वॉर एमिनेशन भी कम होते हुए नजर आ रहे हैं जेलेंस्की के लिए। देश दुनिया की और खबरों के लिए इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।